किन्नौर के सांगला छितकुल मार्ग पर पहाड़ से पत्थर आने के बाद जहां 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं पुल टूटने से सड़क मार्ग भी बंद हो गया है। पुल टूटने की वजह से सांगला में 100 से 120 पर्यटक फंस गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि 9 मृतकों में से 8 शवों को दिल्ली भेज दिया गया है, जबकि एक सेना के जवान का शव खुद सेना एयरलिफ्ट करके भेजेगी। हिमाचल सरकार मृतकों को 4-4 लाख मुआवजा देगी। उन्होंने कहा कि पीएम ने भी उनसे बात कर घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हालांकि कल किन्नौर में मौसम खराब नहीं था, बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा हुआ। पर्यटकों से अपील है कि वह ऐसी जगहों का रुख ना करें जहां भूस्खलन की संभावनाएं हो। पिछले कल की घटना बहुत ही दुखद घटना और हृदय विदारक घटना हुई है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौसम भी खराब नहीं था, ठीक मौसम में भी चट्टाने खिसक सकती हैं और पहाड़ से इस प्रकार से भूस्खलन हो सकता है और उसके बाद जो बोल्डर नीचे गिरे जिनने बहुत बड़ा नुकसान किया। 9 लोगों की दुखद मृत्यु वहां पर मौके पर ही हो गई जो पर्यटक थे, उनमें से 3 इसके अतिरिक्त 3 लोग जो है वो घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। मैं सभी जो पर्यटक यहाँ पर आए थे जिन 9 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उनके परिवार के प्रति। उनको दुख को सहन करने के लिए ईश्वर शक्ति दे। जिला प्रशासन को तुरंत हमने आदेश दे दिए, जैसे घटना की जानकारी मिली डिप्टी कमिश्नर SP मौके पर पहुंच गए थे, ITBP की टीम पहुंच गई थी और यहां तक के स्थानीय लोग भी सहयोग के लिए पहुंच गए थे। जितना जल्दी संभव हो सकता था वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया गया, लेकिन उसके बावजूद 9 लोगों की दुखद मृत्यु मौके पर ही हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी पिछले कल रात को फोन करके सारी घटना की जानकारी हासिल की और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है, और जो लोग घायल हैं उनके उपचार के लिए उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से हर संभव मदद जो की जा सकती है वो भी करें। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा, उन्होंने भी जो मृतक वहाँ पर जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए राहत देने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 50,000 उन लोगों के लिए भी दिए हैं जो इंजर्ड हैं, जो घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से भी हमने 4 लाख रुपए जो मृतक है उनके परिवारों को देने का जो है उसकी घोषणा की है, और उसके अतिरिक्त जो घायल हुए हैं उनके उपचार के लिए जो हर संभव प्रयत्न किया जाएगा वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक जो लोग जिनकी मृत्यु हुई है उनमें से अभी तक हम 8 लोगों को दिल्ली तक उनका शव ले जाने के लिए व्यवस्था हमने कर ली है। एक जवान उसमें आर्मी का भी है उसमें, जिसमें आर्मी ने कहा कि हम अपने आप उनको एयरलिफ्ट करके जो है वो शायद छत्तीसगढ़ के हैं तो वहाँ उनको पहुँचाने के लिए अपनी एक व्यवस्था करेंगे। तो इस प्रकार की ये घटना घटित हुई। एक पुल था वहाँ पर और वो पुल सांगला वैली में को कनेक्ट करने वाले उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट था उस दृष्टि से भी, और वहाँ उस पुल को भी क्षति हुई है, पुल क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह से क्योंकि बोल्डर ऊपर से गिरा और उसके कारण वो बिल्कुल टूट गया है। जहाँ तक जो लोग फंसे हुए वहाँ पर अभी तक कुछ पर्यटक हैं, कुछ स्थानीय लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं वो जानकारी हमको है, उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चला है और जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि उसके लिए वहाँ से उन सब लोगों को लगभग 100 से 120 के लगभग बताई जा रही वो संख्या उनको वहाँ से जल्दी जो है रेस्क्यू करके जो है सुरक्षित स्थान के लिए ले जाने का प्रयत्न किया जा रहा है। फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।